Kashmir News Service presents. काला कानून हम नहीं चलने देंगे हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, जो नए लॉज है, काले कानून है, उनके खिलाफ हमारी प्रोटेस्ट है और इन्होंने हमें यहाँ ऑफिस में अंदर नहीं आने दिया। ये जो काले कानून इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं बिना लोगों के पूछताछ के, इन्हीं कानूनों के खिलाफ। और ये जो देखिए, हम यहाँ पे लैंड लॉस को लेकर बात करने के लिए आए थे। एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक एक जो छोटा सा प्रोटेस्ट है, ये भी यहाँ पे करने नहीं दिया जा रहा है। मैं सेक्रेटरी हूँ पीडीपी का, अब्दुल हमीद कोशीन। सर, आज किस बात का प्रोटेस्ट था, पूरा बताइए। ये प्रोटेस्ट जो था ये इसलिए था कि आपने देखा कल जम्मू में भी पीडीपी हेडक्वार्टर पर बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, जो इनने ये लॉ पास किया है कि कोई भी यहाँ जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। तो एक तो पहले हम इस वक्त इस पार्टी का मंशूर जो है, अब एक अलायंस बन गया सब पार्टियों का, तो उसमें ये चीज़ है कि दफा 370 को हम बहाल करना चाहते हैं। और ये सरेहन जाती है कि एक दफा के होते हुए जिसके लिए ये पार्टियां सारी मुतहद हो गई है, तो अब इन्होंने दूसरा ला यहाँ ये इंट्रोड्यूस किया, कोई भी राह चलते हुए जो भी होगा वो यहाँ मतलब ज़मीन खरीद सकता है पूरी स्टेट में। तो इससे फिर ये जो सारा सिस्टम है, ये यहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं। आप बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इन लोगों ने हमारी गर्दनों पे तलवारें रखी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।